नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन तिवारी और आप सभी लोग मुझे देखते हैं एन टीवी पर गुड़िया हमारी सभी पे भारी में। दोस्तों 2020 कैसा गुजरा इसके बारे में बात करना समय व्यर्थ करने के बराबर है, क्योंकि कहते हैं ना, जो बीत गया सो जाने दो, आज से हिंदी आने दो। दोस्तों 2021 कैसा गुजर रहा है ये मैं आप लोगों से शेयर करने आया हूँ। मेरे जीवन में बहुत बड़ी, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर खुशी आई है 9 जनवरी को 2021 में। दोस्तों मेरे घर बेटी आई है, मुझे बेटी मिली है। और मैं ये आपसे शेयर कर रहा था कि पहले से मेरे पास एक बेटा है जिसका नाम रुद्रांश है, लेकिन जब मैंने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया तो मुझे एहसास हुआ, ये फीलिंग्स हुई कि आज मैं बाप बना हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि जब रुद्रांश मेरे पास था तो मैं इस भावना से ओतप्रोत में नहीं था कि हाँ मैं बाप बना हूँ, लेकिन बेटी का होना आपको संपूर्ण बनाता है। बेटी का होना आपको यह एहसास दिलाता है कि हाँ अब आप बाप बने, अब आप पेरेंट्स बने हैं। आपके अंदर केयर, आपके अंदर चिंता, आपके अंदर प्रेम की अनुभूति को बढ़ाता है। बाकी मैं कितना खुश हूँ और मैं अंदर से कितना कूद रहा हूँ उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरे घर लक्ष्मी हुई है और मैं उसको क्या शिक्षा दूंगा, उसको क्या संस्कार दूंगा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये समय है, उसे सब कुछ सिखाएगा। मैं, मेरा परिवार उसे वो संस्कार देंगे जो हम लोगों को पहले से मिलते आए हैं। एक इम्पॉर्टेंट सी बात है, प्रेम स्नेह ये उसके अंदर कूट कूट के भरूंगा कि भैया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्नेह। ये जितना आप जमा कर सको, जितना आप दे सको, जितना आप बांट सको, यही ज़रूरी है। यही मेरे द्वारा, मेरी पत्नी के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, मेरी बेटी को या मेरे बेटे को दी जाने वाली शिक्षा का सबसे बड़ा अंश होगा। मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। बेटियाँ बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको संपूर्ण बनाती हैं। नमस्कार।